यहाँ पे चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है। एक्साइटमेंट हो रही है वो ट्रेन को देखने की हो रही है। हमें भी पीछे कर दिया है और बोला है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। इतनी पास से ट्रेन की मैं टच कर सकता हूँ ट्रेन को। उसका हाल कुछ इस तरीके से हो चुका है। मैं अभी खड़ा हूँ थाईलैंड के मेकलोंग रेलवे स्टेशन पे और इसके ठीक पास में लगती है एक मार्केट जिसको कहते हैं मेकलोंग ट्रेन मार्केट, और मैं आज इसी जगह को एक्सप्लोर करने आया हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन पे और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ की ट्रेन मार्केट में। अब ये मार्केट किस लिए खास है सबसे पहले बता देता हूँ। ये एक लाइव मार्केट है जो सुबह 5 से 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और शाम तक ये मार्केट रहती है, दोनों साइड्स पे लगती है। और अगर आपको इस मार्केट से कोई भी सामान लेना है तो मेरे पीछे देख रहे हो ये ट्रेन की पटरी पे ही खड़े होकर आपको कुछ भी लेना पड़ेगा। और अगर आपको इस मार्केट से होके जाना है तो आपको ये ट्रेन की पटरी से ही होके जाना पड़ेगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ इस मार्केट के अंदर। मैं हूँ मेकलोंग ट्रेन मार्केट में और ये मार्केट कुछ खास इसलिए है क्योंकि ये जो मार्केट है ये लगती है ट्रेन की पटरी के ऊपर और आज हम इसी मार्केट को देखने आए हुए हैं। मैं अभी जहाँ पे वॉक कर रहा हूँ ये एक ट्रेन की पटरी है और इसकी दोनों साइड्स पे मार्केट लगी हुई है और हम लोग बीच में चल रहे हैं। तो साइड्स पे देखो यार मार्केट लगी हुई है और मैं यहीं से चल के जा रहा हूँ और दोनों साइड पे लगी हुई है मार्केट। लोग देखो यार यहाँ पे शॉपिंग कर भी रहे हैं। मार्केट स्पेशल क्यों है और हम यहाँ किस लिए आए हैं उसका रीज़न है ये देखने के लिए कि ये मार्केट जो है ना एक रेलवे ट्रैक के ऊपर लगती है सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इस ट्रैक पे दिन में 5 से 6 बार ट्रेन निकलती है जिस ट्रैक पे अभी हम लोग चल रहे हैं। दोनों साइड पे शॉप्स हैं और लोग जो हैं शॉपिंग कर रहे होते हैं। और इस जगह की खास बात ये है जैसे ही ट्रेन आती है जब भी यहाँ से ट्रेन निकलती है वो यहाँ पे हॉर्न बजाती है और उसके बाद जितने भी यहाँ पे वेंडर्स हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं अपनी शॉप्स को फोल्ड करते हैं। अपनी ट्रेन यहाँ से पास कर जाती है, जैसे ही ये पूरे स्ट्रेच से ट्रेन निकल जाती है उसके बाद शॉप्स जो हैं वो वापस लग जाती हैं और लोग जो हैं नॉर्मली जैसे होता है ना शिफ्ट निकलने के बाद शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं भाई इस जगह पे पहुंचा कैसे जाए। ये जो मार्केट है ये थाईलैंड की मेन सिटी बैंकॉक से 90 किलोमीटर्स दूर है और यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से आने का ट्राई करते हो बैंकॉक से तो आपको आने में कम से कम 3 घंटे का जो है वो टाइम लग जाएगा, और उसका रीज़न है क्योंकि कोई भी डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो आपको दो से तीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को चेंज करके आना पड़ेगा। अगर आप बैंकॉक से निकलते हो तो आपको सबसे पहले एक बस लेनी पड़ेगी जो कि आपको एक रेलवे ट्रैक तक उतारेगी, आपको फिर वो ट्रैक से किसी और स्टेशन पर जाना पड़ेगा, वहाँ से बस लेके BTS से बस लेके इस जगह पे पहुंचना पड़ेगा और इस पूरी प्रोसेस में आपको 3 से 3.5 घंटे का टाइम लग सकता है अगर कोई भी डिले नहीं हुआ तो। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप दूसरे ऑप्शन से आते हो वो है यहाँ की मिनी वैन और यहाँ पे शेयरिंग टैक्सीज जो कि बैंकॉक से चलती हैं और वो आपको फेरी पॉइंट पे उतारती हैं, आपको फेरी लेके जो है एक ब्रिज क्रॉस करना होता है और दूसरी साइड से एक BTS से आप बस लेनी होती है, BTS से आपको बस लेनी होती है और इस साइड पे पहुंचना होता है। और इसीलिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी और हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे यहाँ पहुंचने के लिए, तो हमने डिसाइड किया एक पैकेज लेने का जिसमें हम लोगों को एक मिनी वैन मिल गई थी। 8 से 9 लोग थे और यहाँ आने के हमने 600 भात पे किए थे, अगर हम खुद से आते तो हमारे 300 से 350 भात जो हैं वो लग जाते। तो चलो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलेगा। जितने भी शर्ट लगे हुए हैं ना ये ट्रैक के ऊपर लगे हुए हैं और जो ट्रैक है वो लाइव ट्रैक है, अभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं भी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ और ये टाइम होने वाला है 11:15 बजे यहाँ पे एक ट्रेन आएगी जो कि पीछे की साइड से आएगी और आने से ठीक पहले वो जो है ना हॉर्न बजाएगी। उसको हॉर्न सुनते ही यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपने इन स्टॉल्स को इतने शर्ट्स को फोल्ड कर लेंगे और लोग जो हैं वो साइड हो जाएंगे, स्मूदीज वगैरह और ये सब बेच रहे हैं क्योंकि जो वेदर है बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी बहुत गर्मी हो रही है और पसीने भाई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस जगह से ट्रेन जो है वह दिन में 6 बार निकलती है, सुबह 8:30 बजे, फिर 9 बजे, उसके बाद 11 बजे, फिर 11:15 बजे, उसके बाद 2:30 बजे और उसके बाद एक टाइमिंग और है शायद 4:30 बजे। तो ये कुछ टाइमिंग है जिसमें जो ट्रेन है यहाँ पे
दिन में निकलती है 6 बार। और ये लेटेस्ट टाइमिंग है या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसका शेड्यूल जो है वो नेट पे ही पढ़ा था। यहाँ पे चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है, दोनों साइड से लोग जो है ना वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है। एक्साइटमेंट हो रही है वो ट्रेन को देखने की हो रही है। चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। 60 भारतीय से ना, हाँ, मिक्स फ्रूट स्मूदी। भाई ये अभी एक शॉप पे आके मैंने यहाँ से स्मूदी ऑर्डर करी है, मिक्स फ्रूट स्मूदी। को यहाँ का लेटेस्ट टाइम टेबल दिखा देता हूँ। ये है यहाँ का लेटेस्ट टाइम टेबल, जिसमें डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम लिखा हुआ है। एक साइड से दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार जो है वो इस रूट से जो ट्रेन है वो दिन में 8 बार जो है वो क्रॉस करती है। और ऐसे ही लगी हुई है यार, मैं ट्रेन की पटरी पे हूँ और इतनी जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो सकूँ, और इसलिए मेरे को यहीं पे खड़े होकर अपना ऑर्डर देना पड़ रहा है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सबसे एक्साइटिंग चीज़, वो है जब यहाँ से ट्रेन जाती है और जो स्टॉल्स हैं वो एकदम फोल्ड हो जाते हैं, और वापस से जब ट्रेन यहाँ से चली जाती है उसके बाद ये स्टॉल जो है वो वापस आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को देखने के लिए मैं बहुत दूर आया हूँ। तो अभी ना मेरे पास एक 10 भात का कॉइन है, और क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हैं रेलवे मार्केट के अंदर और यहाँ से ट्रेन जाएगी, तो मैं यहाँ पे एज अ सुवेनियर जो है ना घर पे इस कॉइन को ले जाना चाहता हूँ, जो मैं इस ट्रैक पे रखूँगा, और देखता हूँ फिर उसके बाद कॉइन का क्या होता है, और मैं उसी को घर लेके जाना चाहता हूँ एक्चुअली एज अ मेमोरी। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है क्योंकि ये शॉप जो है ट्रेन के पटरी के बिल्कुल साथ में लगी हुई है। जैसे ही ट्रेन आती है देखो, हर शॉप के जो इन्होंने बाहर एक्सटेंड किया हुआ है उसके नीचे ऐसे इन्होंने व्हील्स लगाए हुए हैं, और ये व्हील्स जो है ना ये इसी के थ्रू इस पूरे स्टॉल को पीछे खींच लेंगी। जैसे ही ट्रेन आएगी ये वाले व्हील्स के थ्रू इस पूरी शॉप को जो है ना वो पीछे खींच लिया जाएगा। ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और अगर आप देख पा रहे होगे सारे लोग जो हैं अपने अपने स्टॉल्स को पीछे कर रहे हैं और हटा रहे हैं यहाँ से। देखो पूरी ट्रेन की पटरी जो है वो खाली हो चुकी है, और हमारे ऊपर भी जो थी ना जिस स्टॉल भी खाली हो चुका है। देखो यहाँ पे ना इन्होंने बैरियर लगा दिया है, हमें भी पीछे कर दिया है और बोला है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते, इसके पीछे ही खड़े होने पड़ेगा, और जस्ट ट्रेन आने वाली है। आप देख पा रहे होगे भाई सब लोगों को ना एक पीछे खड़ा कर दिया। यहाँ पे एक रेड कलर की लाइंस बनी हुई हैं, और जिसकी लाइंस नहीं है उन्होंने ऐसे बैरियर्स लगा दिए हैं कि उनके पीछे ही लोग रुकेंगे, और हम लोग भी ऐसे एक रस्सी के पीछे खड़े हैं। ये अनाउंसमेंट हो रही है ट्रेन के आने की। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल मज़ा जो इस जगह को विज़िट करने का है, वो है ये ट्रेन जो अब सामने से आ रही है। ये वो ट्रेन है जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और लोग देखो भाई मान नहीं रहे हैं लेकिन पटरियों पे बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। अब ये हॉर्न बजा रही है गाड़ी, अब लोग साइड हो चुके हैं। और ये है इस जगह को विजिट करने का असली फन। ये है इस जगह को विजिट करने का असली फन। और बाहर से देखो यार यहाँ पे भी लोग जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं। अच्छा एक चीज और बोली हुई है कि इतनी पास से ट्रेन की मैं टच कर सकता हूँ ट्रेन को। अब अगर आप देखोगे ना पीछे, देखो जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये गई ट्रेन और ये देखो लोग आ गए वापस अपने अपने शॉप्स को खोलने के लिए, और ये खुल चुकी है शॉप्स और ट्रेन चली गई यहाँ से दूर, और ये देखो भाई शॉप्स खुल चुकी हैं फिर से। तो ये था भाई एक आज का एडवेंचर फॉर द डे। तो मीकलोंग ट्रेन मार्केट एक विश लिस्ट में आपके ज़रूर होनी चाहिए। एक ट्रेन और आ रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना एक सुवेनियर बनाने की। यहाँ से अभी दूसरी ट्रेन जो है वो वापस आने वाली है, और इधर से होके हम लोग देखेंगे एक और ट्रेन को, और मैं इसको एज अ मेमोरी लेके जाने वाला हूँ अपने घर। भात मैंने यहाँ पे रखा था उसका हाल कुछ इस तरीके से हो चुका है। अभी ट्रेन जा रही है, अभी गई नहीं है, यहाँ पे थोड़ी स्लो हो जाती है ट्रेन। ओके
भाई आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डोमिनियो फ्लोटिंग मार्केट, जो कि एक कैनाल के अंदर बनी हुई है और एक फ्लोटिंग मार्केट है जिसके अंदर बोट्स पे सारी चीज़ें बेची जाती हैं। फ्लोटिंग मार्केट जो कि थाईलैंड की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बड़ी फ्लोटिंग मार्केट है, और ये एक लॉन्ग टेल बोट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह एक लॉन्ग टेल बोट जिसके अंदर अभी हम लोग इस फ्लोटिंग मार्केट को विज़िट करने वाले हैं। उसके बाद एक पीछे लगे हुए हैं क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और मेरी तरह ऐसे बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। तो दो तरीके से जो है ना वो घूमा जा सकता है, एक तो ये ऐसे बोट्स पे जिस तरीके से हम घूम रहे हैं, और एक है इसकी स्टार्टिंग में ही अगर आप वॉक करके जाते हो तो मार्केट्स हैं कुछ इस तरीके से हैं, साइड पे पूरी मार्केट लगी हुई है। आप चाहो तो ऐसे भी घूम सकते हो इस मार्केट के ऊपर साइड में, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं है जितना ये बोट के अंदर है। How much is selling for? How much? भाई आज का दिन जिसमें हम लोग गए ट्रेन मार्केट और हमने विजिट किया एक फ्लोटिंग मार्केट को। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला हूँ थाईलैंड के अंदर।